दोस्तों अगर आप भी पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक से मात्र एक कदम पहले जब ऋषभ पंत आउट हो गए तो वो बीच मैदान में ही भावुक होते नजर आए और फिर उसके बाद रोहित ने पंत को बड़े भाई की तरह संभाला। लेकिन आखिरकार क्यों पंत बीच मैदान में रो पड़े थे और स्टैंड्स में जाकर भी, ये सब तो वाकई आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी आज पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में पहला टेस्ट मैच मोहाली के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता, टीम के लिए बल्लेबाजी चुनी और मैदान में आकर भारत की शुरुआत अच्छी हो सकती थी, लेकिन रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल मिलकर 50 से 60 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। कोहली की बात करें तो 100वां टेस्ट मैच खेल रहे पूर्व कप्तान विराट कोहली भी 45 पर आउट हो गए। इसके अलावा हनुमा विहारी का 50 जरूर था, लेकिन वहां भी कुछ पारी में ज्यादा खास दम दिखा नहीं। ईयर से उम्मीदें खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो भी 28-29 पर आउट हो गए। जडेजा कुछ खास कर नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे में एक खिलाड़ी था जिसने पूरे मैच के भार को उठा रखा था और फिर मैच की काया भी पलट दी अपनी बल्लेबाजी के जादू से। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। आज के मुकाबले के असल हीरो असल मायने में ऋषभ पंत ही हैं। 17 नंबर की जर्सी पहनने वाले ऋषभ पंत ने आज मैदान में ऐसे चौके व छक्के जड़े जो कि शायद कोहली और रोहित ने भी अपने करियर में टेस्ट फॉर्मेट में नहीं जड़े होंगे। दोस्तों ऋषभ पंत ने एक ओवर में 326 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। लसित नाम का वो स्पिनर गेंदबाज जो विराट कोहली को बोल्ड कर गया, उसको एक ओवर में 22 रन जड़ दिए। तो वहीं आगे चलकर डिसिल्वा की भी खूब क्लास लगाई गई। देखते ही देखते दोस्तों ऋषभ पंत 90 के पार पहुंच गए थे और 90 के पार पहुंचने के बाद ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होंगे जो कि बड़ा शॉट मारने का जिगरा रखते हों, लेकिन पंत उन्हीं में से एक हैं और कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी भूल उन पर फिर से भारी पड़ गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंत का तो 90s में आउट होने का रिकॉर्ड बहुत ही विशाल है और पंत ने आज उस रिकॉर्ड को कायम रख लिया। दोस्तों 97 गेंदों में 96 रन बना चुके ऋषभ पंत अपने शतक से मात्र 4 रन की दूरी पर थे। लकमल की एक गेंद पर वो बड़ा शॉट मारना चाहते थे, वो आगे तो निकले लेकिन गेंद पीछे से जाकर स्टंप्स में लग गई और वो क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों ऋषभ पंत 96 पर आउट हो गए और आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने बल्ला बीच मैदान में ही गेर दिया। वो भावुक हो गए थे, वो वहीं रो पड़े थे और ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत कितने ज्यादा उदास हुए। पूरे भारतीय खेमा ही बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन जब ऋषभ पंत स्टैंड्स में पहुंचे तो वो खास तौर पर कप्तान के साथ बैठे और रोहित शर्मा ने उन्हें संभाला। हालांकि ऋषभ पंत वहां भी भावुक थे। आप रोहित के साथ ऋषभ पंत की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत वाकई में रो रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने चुप कराया और वाकई में उनकी पारी के लिए प्रोत्साहित भी किया होगा। दोस्तों पंत आज जूनियर धोनी की तरह खेले, ऐसा जाबाज खिलाड़ी जो शतक की परवाह नहीं करता, केवल रन लगाता है अपने देश के लिए। और आज आप पंत की इसी जाबाजी भरी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट मैच को ऋषभ पंत ने T20 बना डाला है और पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि सबको पुराने धोनी की याद आ गई। लेकिन कैसे छक्कों की बारिश करते हुए ऋषभ पंत ने अकेले अपने दम पर पूरी श्रीलंकाई टीम को हड़का कर रख दिया, ये सब तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और धोनी में कौन एक बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ऋषभ पंत नाम की ऐसी आंधी आई कि इसमें पूरी श्रीलंका की टीम तहस नहस हो गई। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच की शुरुआत भले ही भारत के नाम ना रही हो, लेकिन जाते जाते ऋषभ पंत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैच की शुरुआत में हम टॉस जीते, रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी, खुद 29 रन पर आउट हुए और मयंक अग्रवाल 33 रन पर। आगे चलकर विराट कोहली और हनुमा विहारी के बीच में मजबूत पार्टनरशिप के आसार लग रहे थे, लेकिन कोहली 45 रन और हनुमा विहारी 50 लगाते ही आउट हो गए। उसके बाद लगा के पंत और अय्यर की पार्टनरशिप जमेगी, लेकिन अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो तो 30 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। लेकिन इस बीच जहां बैक टू बैक राम और श्याम बनकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पवेलियन में लौट रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत ने दूसरे छोर से न सिर्फ अपने विकेट को बचाए रखा बल्कि ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी जिसकी मिसालें फिर से सदियों तक दी जाएंगी। दोस्तों गाबा में भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियन बनाने वाले आज ऋषभ पंत नजर आए मैदान में। आपको बता दें कि मोहाली के मैदान में जैसे ही ऋषभ पंत ने अपना कदम रखा तो सबसे पहले उस स्पिनर गेंदबाज की क्लास लगाई जिसने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया था। छक्का जड़कर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन से उन्होंने अपना अंदेशा साफ कर दिया था कि वो मैदान में केवल रन जड़ने आए हैं, जिसके बाद इसी एक छक्के की मदद से और लगभग 4 से 5 चौकों की मदद से ऋषभ पंत ने अपना 50 पूरा कर लिया।
लेकिन जैसे ही 200 पंत 56 पर पहुंचे उसके बाद तो उन्होंने अपना गियर ही बदल लिया। लसित नाम का ये स्पिनर गेंदबाज फिर से पंत के सामने आने की जरूरत कर बैठा और इस बार तो पंत सेट थे और उन्होंने एक ही ओवर से 22 रन निकाल दिए। तो पारी के 76वें ओवर का है तो उसको पहली दो गेंदों में ही ऋषभ पंत ने गेंदबाज लसित को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ से ऋषभ पंत ने अपने फेवरेट स्टाइल में छक्का जड़ा और उसके बाद बड़े ही शांति से डीप मिड विकेट की तरफ से एक और सिक्स जड़कर दो गेंदों में पहले 12 रन जुटा लिए। अगली गेंद पर पंत ने चौका जड़ना मुनासिब समझा और 5वीं गेंद पर फिर से 2 रन लेकर ऋषभ पंत ने आखिरी गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया और इसी तरीके से 202 चौकों की मदद से और 2 छक्कों की मदद से और 2 रन लेकर ऋषभ पंत ने 22 रन तो बनाए ही। अगले ओवर में उन्होंने डिसिल्वा को भी थोकर रख दिया। बता दें कि डिसिल्वा को एक चौका और एक छक्का जड़कर पंत बड़ी तेजी से अब 82 रन पर पहुंच गए थे और 84 गेंदों में 82 रन लगाकर पंत ने यह साफ कर दिया था कि वो शतक नहीं बल्कि रन लगाने आए हैं। लेकिन दोस्तों पंत ने बड़ी समझदारी से फिर बड़े शॉट अगले ओवर में नहीं लगाए, उन्होंने इंतजार किया डिसिल्वा का क्योंकि उन पर फिर से प्रेशर तो बना ही हुआ था और जैसे ही 79वें ओवर में डिसिल्वा पंत के सामने फिर से आए इस ओवर की 4थी और 5वीं गेंद पर सटीक मौका देखकर ऋषभ पंत ने बैक टू बैक 2 चौके जड़े और अपने आप को सीधा 92 रनों पर ले गए। जैसे तो पंत ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाना चाहा लेकिन सिंगल रन लेकर अब पंत 93 पर पहुंच चुके थे और दोस्तों देखते ही देखते पंत अपने शतक के करीब पहुंच गए। लेकिन ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी, असल मायने में तो पंत का शतक सबकी नजरों में पूरा हो ही चुका था जिसके बाद पंत आगे चलकर बहुत खुश भी नजर आए। लेकिन दोस्तों पंत की इसी पारी को देखकर कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाई, परंतु आप पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में मौका मिलते ही पंत और अय्यर ने ऐसे खतरनाक चौके और छक्के जड़े के देखकर सब हैरान हो गए और कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम पलों में भारत के लिए मैच को पलट कर रख दिया अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से। ये सब तो और इनकी पारी तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच मोहाली के मैदान से खेला जा रहा है। आपको बता दें कि कोहली का 100वां टेस्ट जरूर है लेकिन फिर भी अपने 100 से कोसों दूर रह गए विराट कोहली। मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो कप्तान साहब ने टॉस जीता, रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी और मैदान में आ गए मयंक अग्रवाल के साथ। दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छा तालमेल दिख रहा था कि तभी दोस्तों रोहित शर्मा 29 रन पर कैच आउट हो जाते हैं तो वहीं मयंक अग्रवाल 33 रन पर LBW आउट हो जाते हैं। विराट कोहली और हनुमा विहारी के बीच में भी एक अच्छी साझेदारी की संभावनाएं जताई जा रही थी। हनुमा विहारी अपना 50 पूरा कर गए, कई अनेकों बाउंड्रीज लगाई और 58 रनों की एक शानदार पारी खेल ही डाली थी जिसे वो शतक में तब्दील भी करना चाह रहे थे, लेकिन अपनी गलती के चलते हनुमा विहारी भी आउट हो गए और विराट कोहली तो अशतक तो छोड़ी अपने 50 तक भी नहीं पहुंच पाए। दोस्तों विराट कोहली 4 बाउंड्री लगाकर 45 पर एक स्पिनर गेंदबाज लसित के द्वारा क्लीन बोल्ड हुए। हर बार की तरह इस बार भी विराट कोहली के होश पूरी तरीके से उड़ चुके थे, लेकिन इस बार श्रीलंकाई टीम के होश उड़ाने के लिए मैदान में 2 युवा धुरंधर उतरे। आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो थे ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, और ऐसी बेबाक बल्लेबाजी कर डाली कि पूरे मुकाबले का ही होलिया पलट कर रख दिया। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौके और छक्कों की बरसात करी। पंत ने तो लसित को आगे बढ़कर छक्का जड़कर सबसे पहले विराट कोहली के विकेट का बदला लिया अगले ही ओवर में, और जब श्रेयस मैदान पर आए तो उनका क्लास देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों ने केवल बड़े शॉट लगाने का प्रयास नहीं किया बल्कि टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलने पर ज्यादा फोकस किया। इतने ज्यादा जम गए मैदान में कि सबसे पहले तो उनका पार्टनरशिप टूटना ही नामुमकिन सा लगने लगा था, और दोस्तों इसी पार्टनरशिप की वजह से भारत को बहुत मजबूत स्ट्रेंथ मिली। 246 गेंदों में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बना दिए थे। दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर भी काफी तेजी से 28 रन पर तो पहुंच ही गए थे, और दोनों खिलाड़ी टीम को 250 तक ले ही जा रहे थे कि श्रेयस अय्यर 27 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के कदम नहीं डगमगाए, वो रन लगाने के लिए सटीक दिशा में शॉट लगाते चले गए और उन्हें उसका नतीजा भी मिला। इसी बीच दोस्तों जडेजा ने भी आकर मैदान में पंत का साथ दिया और उनकी अच्छी बल्लेबाजी के चलते भारतीय क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं 275 के आसपास तो पहुंची गई थी।
लेकिन दोस्तों आप सभी ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और अय्यर की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही पंत ने बल्लेबाजी के दौरान ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि देखकर रोहित तो क्या बल्कि कोहली तक के होश उड़ गए थे।